अगर चौहान साहब ने बताया कि बजट भी आने वाला है, कितनी तैयारियां कर ली है और कितनी इत्यादियों को मना लिया है और क्या जो अपोजिशन की जो खदशात और तहफात थे वो दूर कर दिए गए हैं, नंबर एक। और नंबर दो, काबीना अरकान जो है वो टडी दल के हवाले से काफ़ी खदशात और तहफात का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 8 साल के सारी गुज़श्ता में एक मरतबा गुजर चुकी है और एक मरतबा ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में फिर जो है टडी दल की वजह से कैद साली और लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर होंगे। दोनों सेक्टर्स में क्या किया जा रहा है और कितने खदशात मौजूद है कैद साली के हवाले से? देखिए, खदशात तो मौजूद है। देखिए, 96 से आपका ड्राउट का एक पीरियड शुरू हुआ। एक तो पानी की कमी है, ऑलरेडी आपके बहुत सारे बागात जो है वो खुश्क हो चुके हैं, लाइफ स्टॉक आपकी तबाह हो चुकी है। मौजूदा गवर्नमेंट हर हवाले से हमने कोशिश की है, लाइफ स्टॉक इंटरनेशनल एक्सपो आपको याद होगा, एग्रीकल्चर में भी हम काम कर रहे हैं। अभी टड्डी दल जो है ये मस्कत फिर ईरान से यहाँ आ रहा है और इसको तल्फ करने के लिए, रोकथाम के लिए हम तो भरपूर इकदाम कर रहे हैं। मैंने जैसे अभी भी जिक्र किया कि NDMA से हमने गुजारिश की है कि 66 डिस्ट्रिक्ट जब आप पूरे मुल्क में मुतासर हैं उसमें आधा बलूचिस्तान में है, वसाइल वहाँ पर आप जितना भी लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। गेटवे यहाँ है, यहाँ आप वसाइल लगाएं, टड्डी दिल को आप रोकें, बाकी सूबों में लाजमी बात है, लॉजिकल बात है, नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर आप रोकने की कोशिश करेंगे, रोक ये नहीं रुक सकेगा। लेकिन जाहिर है इतने जो बागात मुतासर होंगे, फूड शॉर्टेज का फ्यूचर में मसला पैदा हो सकता है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है। आपके खदशात जो है ना वो बजा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भरपूर कोशिश कर रही है, भरपूर इकदाम कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ हम डेटा भी डिटेल भी शेयर करते हैं। मज़ीद भी हम 3 लाख लीटर जो पेस्टिसाइड है वो हम प्रोक्योर कर रहे हैं और पूरे बलूचिस्तान में जहाँ टड्डी दल है उसके खिलाफ स्प्रे करेंगे। और बजट की तैयारी हमारी तकरीबन आखिरी मराइल में है, 18 को इंशाल्लाह बजट पेश होगा। लाजमी बात है, जो मीशत हमारा मुतासर हुआ है, BRA के हमारे अपने टैक्सेशन तकरीबन 1.5 अरब, उसमें बहुत सेक्टर हमने एग्जाम किए थे उसमें भी नुकसान हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट के पास बजट आपने देखा, फेडरल PSDP भी 800 से कम होकर 650 अरब तक पहुँचा, तो मीशत को तो पूरी दुनिया में नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में भी नुकसान हुआ है, बलूचिस्तान के बजट में भी उसके असरात होंगे। लेकिन NFC में एक ब्लेसिंग है बलूचिस्तान के लिए कि पिछले दफ़ा जो इस फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और जो तखमीना लगाया गया था कुल टैक्सेशन का, अब वो कलेक्ट होते हैं या नहीं होते, उस तखमीना की बुनियाद पे बलूचिस्तान को 9.09% की बुनियाद पे फेडरल गवर्नमेंट उसका हिस्सा देने का पाबंद है, तो उसकी बुनियाद पर हमें तो पिछले साल पूरे मिले। इस साल चूँकि ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन का जो तखमीना है, जो टारगेट है, उसमें कमी नज़र आ रही है, तो उससे हमारा नेक्स्ट NFC में इस साल थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले साल से हमारा बजट जो है ज़ाहिर है मजमूई तौर पे वो कम ही होगा, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं खसूसन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर इसको फोकस रखेंगे। और पिछला हमारा बजट सोशल ओरिएंटेड बजट था और ये जो बजट होगा ये हेल्थ ओरिएंटेड बजट होगा।